तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय के पेपर के लिए दो दो अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये सभी प्रश्न और उनके उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। और दो अंक वाले क्वेश्चन वैसे भी छोटे होते हैं, तो ये आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। तो चलो समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको कि आप लोगों को याद करना है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन तो ये रहा, आप सब लोग इसको याद कर लें। क्या क्वेश्चन दिया गया, सांख्यिकी क्या है? ये बिल्कुल आपकी वार्षिक परीक्षाओं में पेपर में पूछा जाएगा, तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लो। पूरा का पूरा आप लोग इसको परीक्षाओं में भी लिख कर आ जाओगे इस प्रकार से, अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र किस से संबंधित है? तो देखिएगा इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लो, ये बिल्कुल आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, बारंबारता वितरण क्या है? ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में आएगा। दिए हुए आंकड़ों के विभिन्न प्रेक्षकों अथवा वर्ग अंतराल की बारंबारता दर्शाने वाली सारणी बारंबारता बंटन वितरण सारणी कहलाती है, इसे ही फ्रिक्वेंसी एरे भी कहते हैं। तो देखो आप लोग इसको भी इतना याद कर लो चाहे तो इस प्रकार से आप सब लोगों को इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लेना है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, प्राथमिक आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? ये बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और आपके पेपर में जरूर पूछा जा सकता है, तो आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लो अच्छे प्रकार से। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, जनगणना पूर्ण गणना विधि किसे कहते हैं? तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लो पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, द्वितीयक आंकड़ों से क्या अभिप्राय है? तो देखिएगा द्वितीयक आंकड़ों से क्या अभिप्राय है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और पूरा इसको याद कर लो, ताकि आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में लिख कर आ सको। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुलक के कोई दो गुण लिखिए। ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप सब लोग इसको याद कर लीजिएगा और ये बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में आ सकता है, और आप सब लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से याद जरूर कर लो। और देखो अगला क्वेश्चन, परास विस्तार से क्या आशय है? तो देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ से और अच्छे से याद जरूर कर लो, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर आ सको। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लीजिएगा पूरा। अब उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं? ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है और बिल्कुल आपकी परीक्षाओं के पेपर में ये आ सकता है, तो इसलिए यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, योजना की परिभाषा दीजिए। तो देखो ये भी वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको याद कर ले अच्छे से। और एक ये वाला क्वेश्चन, आधुनिकीकरण क्या है? ये बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है और आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में जरूर पूछा जाएगा, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लीजिएगा और पूरा याद कर लो। उसके बाद का क्वेश्चन ये लिखा है, पलायन या प्रवसन से क्या आशय है? तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी पढ़ लीजिएगा आप सब लोग और अच्छे से याद कर लो, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर आ सको। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, मानव पूंजी निर्माण के दो प्रमुख स्रोत बताइए। तो देखिएगा मानव पूंजी निर्माण के दो प्रमुख स्रोत क्या क्या है, आप सब लोग यहाँ से उनको देख लें और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद का क्वेश्चन ये दिया गया, पर्यावरण के कार्य क्या है? तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, ये सभी के सभी दो दो अंक वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो ब्रुटलैंड कमीशन किससे संबंधित है? मानव विकास की कोई दो संकेतकों का उल्लेख आपको करना है, तो इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक ये वाला क्वेश्चन, चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड को स्पष्ट कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का आंसर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लो, GDP का पूर्ण रूप लिखिए। तो देखिएगा GDP का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको याद कर लो अच्छे से। उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखा है, HDI का पूरा नाम क्या है? प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक के अंतर आपको बताना है, तो इसको भी आप याद कर ले अच्छे प्रकार से पूरा। और उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, वर्ग अंतराल से आप क्या समझते हैं? तो सभी के सभी ये दो दो अंक वाले क्वेश्चन है। अब इसके बाद में देखिएगा कुछ दो दो अंक वाले क्वेश्चन ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको भी याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र क्या है? ये बिल्कुल आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आएगा, तो यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा पूरा, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको लिख कर आ सको। सांख्यिकी के कार्य आपको बताने हैं, तो यहाँ से आप सब लोग सांख्यिकी के कार्यों को लिख ले पूरा। उसके बाद का क्वेश्चन ये दिया गया है, चित्र में प्रदर्शन की दो सीमाएँ आपको लिखनी है। तो देखिएगा चित्र में प्रदर्शन की दो सीमाएँ क्या क्या होती है, इनको भी आप लोग याद कर लें। और उसका बाद का क्वेश्चन ये लिखा है, अच्छे प्रश्नवली के दो गुण लिखिए। तो देखिएगा अच्छे प्रश्नवली के दो गुण क्या क्या है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा इसको याद भी कर ले, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। तो इन क्वेश्चन को आप लोग देख लें।
अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, प्राथमिक आंकड़ों की दो विशेषताएं आपको बतानी है, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर ले अच्छे प्रकार से। और अगला क्वेश्चन, अच्छे प्रतिदर्शन की दो विशेषताएं आपको बतानी है, तो देखो अच्छे प्रतिदर्शन की दो विशेषताएं क्या क्या है, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसको पूरा समझ भी लें। अब उसके बाद में देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देख लें आप सब लोग, क्या लिखा है, माध्य किसे कहते हैं, तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आप सब लोग अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में ये आ सकता है। उसके बाद का क्वेश्चन ये लिखा है, माध्यिका का अर्थ बताओ, तो देखो माध्यिका का अर्थ क्या होता है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लो पूरा। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, परिक्षेपण किसे कहते हैं, परिक्षेपण किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आएगा। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, माध्य विचलन का क्या अर्थ है, देखो माध्य विचलन का क्या अर्थ होता है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लीजिएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, विपणन योग्य अधिशेष क्या है, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लें। उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, लघु उद्योग किसे कहते हैं, तो देखिएगा लघु उद्योग के उत्तर को, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लो अच्छे प्रकार से। अगला क्वेश्चन ये दिया गया, देख सकते हो भारत में योजना बनाने का विकल्प क्यों चुना गया, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, हरित क्रांति क्या है, तो देखो हरित क्रांति क्या है, इसके उत्तर को भी आप लोग देख लो पूरा और अच्छे से याद कर लो, ये बिल्कुल आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूछा जा सकता है। उसका बाद का क्वेश्चन ये दिया गया है, भारत में पूंजी निर्माण की कोई दो समस्याएं लिखी है, तो देखिएगा भारत में पूंजी निर्माण की दो समस्याएं क्या क्या है, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये दिया गया, ग्रामीण विकास किसे कहते हैं, तो देखिएगा ग्रामीण विकास किसे कहा जाता है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लो पूरा। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों होती है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद भी कर लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, रोजगार का अर्थ क्या है, तो देखिएगा रोजगार का अर्थ क्या होता है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भारत में गरीबी के कोई दो कारण आपको बताने हैं, लोग पलायन क्यों करते हैं, ये आपको बताना, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सारणी की तीन विशेषताएं आपको लिखनी है, तो देखो सारणी की तीन विशेषताएं क्या क्या है, इसको भी आप लोग याद कर लो अच्छी प्रकार से। उसके बाद में देखिएगा सभी के सभी, यहाँ तक कि आपको मैंने दो दो अंक वाले क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आप सब लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।